नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार कैरियर और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सागर हत्याकांड से जुड़ी हुई। 4 मई के दिन में भी हुआ था सागर और सुशील कुमार के बीच तकरार। सबूत जुटाने के लिए सुशील और अजय को पंजाब लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस। मीडिया ट्रायल पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। सागर हत्याकांड मामले में पुलिस फरार आरोपी प्रवीण, विनोद प्रधान, प्रदीप व अन्य की तलाश में है। क्राइम ब्रांच की टीम सुशील व अजय से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को इन्हें बठिंडा व चंडीगढ़ ले जाया गया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि 4 मई को दिन में सोनू, सागर, धनखड़, अमित, रविंदर, विकास व बख्तू आदि ने छत्रसाल स्टेडियम में बास्केटबॉल ग्राउंड पर सुशील के साथ गाली गलौज की। इसके बाद सुशील ने बदमाशों को बुलाकर रात में इनकी पार्किंग एरिया में जमकर पिटाई करवाई। यह भी पता चला है कि फरारी के दौरान सुशील ने गैंगस्टरों काला जठेड़ी से समझौता कर लिया है। पहलवान सागर धनखड़ पर हमला के दौरान काला के करीबी सोनू महल को भी पीटा गया था। इस वजह से सुशील को काला से जान का खतरा लग रहा था। इस केस में सबसे अहम गवाह सोनू, अमित समेत 4 लोग हैं। वहीं सागर हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों ने सुशील के खिलाफ बयान दिए हैं। वहीं हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 और पहलवानों रोहित करोर और विजेंद्र और सुबिंदर को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें रोहित सुशील का बेहद ही करीबी था। 4 मई को वारदात के समय वह मौके पर भी मौजूद था। जी हां, बड़ी खबर है, मीडिया ट्रायल पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है हाईकोर्ट ने। 4 मई की रात हुई वारदात से पहले दिन में भी सागर और सुशील के बीच में तकरार हुआ था। और बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे समाचार कैरियर और इसे फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।